अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट .com। MS PowerPoint की एक और क्लास के साथ मैं हूँ शुएब अहमद। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन के बारे में। जब आप डिज़ाइन टाइप ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये देखें थीम्स, वेरिएंट्स एंड कस्टमाइज, तीन ऑप्शन शो होंगे। तो सबसे पहले हम थीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट MS PowerPoint के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स दिए हुए हैं। आप इनको अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हो। ये तो थे स्टूडेंट्स थीम्स। उसके बाद राइट साइड पे आए तो राइट साइड पे देखें तो वेरिएंट्स की ऑप्शन दी हुई है। इनमें देखें तो ये मुख्तलिफ कलर स्कीम दी हुई हैं। इनको आप जो आपने थीम अप्लाई किया है उस पर ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखें तो फॉन्ट्स हैं, ये देखें इस तरह प्रेजेंटेशन जो है मज़ीद खूबसूरत लगे। एंड थर्ड ऑप्शन इफेक्ट्स की है। यहाँ से कोई भी इफेक्ट्स आप यूज़ में ले सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन इज बैकग्राउंड स्टाइल्स। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिया हुआ है स्लाइड साइज, कि यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं उनका साइज़ चेंज कर सकते हो। ये देखें तो इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने जो विंडो क्लियर हुई है, इसमें दो ऑप्शन दी हुई हैं। एक तो स्टैंडर्ड है 4.3 एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है वाइड स्क्रीन जो 16.9 है। बाय डिफ़ॉल्ट वाइड स्क्रीन यूज़ हो रहा है। अगर आप स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन, ये देखें आपको उसने दिखा दिया कि इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है शो होगी। ऐसे ही अगर आप कस्टम स्लाइड साइज लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें जो इस वक्त लगा हुआ है वो 4x3 का जो है ये है, विड्थ इसकी 10 इंच है एंड हाइट 7.5 है। अगर हम इसे वाइड स्क्रीन पे ले आए देन इसका साइज देखें तो देन देखें 13 विड्थ है इसकी एंड 7.5 हाइट है। यहाँ से आप ये देखें इस पर क्लिक करेंगे वाइड स्क्रीन साइज पे, तो यहाँ पे मुफ्ती किस्म के जो स्लाइड साइज हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखें ये बैनर की ऑप्शन है, ओवरहेड की है, बैनर वाली देखें 8x1 की है। इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं, ये देखें आपकी स्लाइड बैनर की शेप में शो हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ से A4 लेना चाहते हैं तो A4 ले सकते हो। ये देखें यहाँ पे देखें स्लाइड्स की पोर्ट्रेट एंड लाइट्स के भी आप कर सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट बैकग्राउंड की। यहाँ पे आए तो ये देखें सॉलिड फिल है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यस, यहाँ से अगर ग्रेडियंट करना चाहें तो वो भी ले सकते हो। यहाँ के आगे नीचे देखें तो ग्रेडियंट की सारी सेटिंग्स दी हुई है। यहाँ से पिक्चर भी करवा सकते हो फिल अगर आपने करना चाहते हैं तो। मैं यहाँ से कोई पिक लेता हूँ, उसे हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इस तरह अपनी पिक भी बैकग्राउंड पे यूज़ में ले सकते हैं। लास्ट जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैटर्न फिल की है। MS पावर पॉइंट के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के पैटर्न दिए हुए हैं जो कि आपकी स्लाइड्स को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। उसके बाद देखिए हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर थीम्स, वेरिएंट्स, कस्टमाइज में, स्लाइड साइज एंड फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।